जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी सॉरी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी। और ये किसने दिया है पता है ये थ्योरम? ये कल हम लोग जो थेल्स करके मैथमेटिशियन की बात कर रहे थे ना, तो थेल्स ने ही ये प्रूव किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें बोला क्या है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है ओके, उसके किसी भी एक साइड को हम लोग पैरेलल एक लाइन बना देते हैं, तो वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, दूसरे दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शंस में कट करेगी। मतलब दिस लाइन, ये लाइन जो है एल, सपोज इट इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इट इज पैरेलल टू बी सी ओके, तो इस तरीके से वो कट करेगी कि अपना जो ए, ये यहाँ पे डी पॉइंट है और ई में इंटरसेक्शन होगा, तो अपना ए डी और बी बी का जो रेशो है वो ही रेशो ए ई और ए सी का रहेगा। मतलब इफ एल इज पैरेलल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स B and E, then of sides of sides AB and AC as shown above, then AD upon DB is equal to AE upon इसी को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। नाउ दिस लाइन M इज इट इज पैरेलल टू AB, तो ये कहाँ पे कट कर रही है? सपोज ये पॉइंट्स में P और Q बोलती होगी ओके, तो फिर तुम्हारा रेशो कैसा रहेगा? जो AP अपॉन PC या PC CP अपॉन AP ऐसे भी बोल सकते हो, किसी भी तरीके से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ऐसे आएगा। मतलब In this case क्या होगा? You can say AP upon PC is equal to BQ upon QC, ठीक है? Suppose हमारा जो triangle है ABC, अभी इसको parallel देखा, इसको parallel देखा, अभी देखेंगे इसको parallel देखा, इसको parallel एक line draw करेंगे, कहीं पे भी line हो सकती है, ठीक है? Now let us call this line N, okay, and it is cutting at say R and S. तो फिर proportionality कैसे होगा? BR upon RA. BS upon SC. हाँ, is equal to BS upon SC. ठीक है? Corresponding portions का जो ratio है, वो दोनों sides पे जहाँ पे cut हो रहा है, this upon this, this upon this, ऐसा ही होता है, okay? अभी इसी को थोड़ा हम लोग और develop करके अभी equalities कैसे मिलते हैं ना वो देखेंगे। For example, example देख देखती हूँ। AD upon DB के बदले हम लोग ना AD upon पूरा side AB भी बोल सकते हैं, is equal to AE upon पूरा side AC भी बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे AP upon पूरा side AC बोल सकते हैं, is equal to BQ upon पूरा साइड बी सी भी बोल सकते हैं, ओके? ये कैसे आता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? पहले हम लोग थ्योरम ही प्रूव करेंगे, ठीक है? तो इसी में इसी की तरह से कैसे आएगा, सपोज दिस इज बी आर है ना, बी आर अपॉन आर ए की जगह हम लोग बी आर अपॉन बी ए भी बोलेंगे तो भी सही होगा, ओके? एंड बी एस अपॉन अपॉन बी सी पूरा साइड लेके भी कर सकते हैं, या उस इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर आर ए अपॉन पूरा साइड बी ए भी कर सकते हैं, एस सी अपॉन पूरा साइड बी सी भी कर सकते हैं, ओके? सो इस तरीके से वो आता है। ये बेसिक समझ में आया तुम्हें? फिर हम लोग प्रूफ देखेंगे अभी। थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन सच अ वे दैट इट इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू सेपरेट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ओके? अब ये फिगर बनाएंगे यहाँ पे और फिर उसका प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट और रीजन देके प्रूफ करेंगे। ये अपना ट्रायंगल PQR है, ये लाइन L है पर पैरेलल टू QR,
पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, डी एंड ई, और कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया है, दिस इज डी ई एम विच इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड डी एन विच इज परपेंडिकुलर टू पी आर. ठीक है, ये अपना फिगर तैयार हो गया. हाँ, फिर अभी प्रूफ कैसे आएगा, अच्छा ये भी लिख के देती हूँ मैं यहाँ पे. सो डी ई इज पैरेलल टू क्यू आर. M is perpendicular to PQ implies that PM is perpendicular to PD. DN is perpendicular to PR implies that DM is perpendicular to PE. ठीक है, and we have to prove that क्या प्रूव करना है, PD अपॉन DQ इज इक्वल टू PE अपॉन ER. तो ये प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन लिखना है तुम्हें, स्टेटमेंट एंड रीजन इस तरीके से आएगा. हम लोग क्या करने वाले हैं प्रूफ करने के लिए, अभी यहाँ पे ना दो ट्राइंगल्स बन गए, वैसे बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें से PDE ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, अपना स्टेटमेंट वन है इन ट्रायंगल PDE. हाँ, इन ट्रायंगल PDE अपनी जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, और जनरली एरिया क्या होती है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हमें दो परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं, तो हम लोग एक बार हम लोग ये बेस लेंगे PD वाला और उसके ऊपर हाइट क्या है EM है, है ना. समझ में आ रहा है, ये देख के समझ में आया, ट्राइंगल वो ही है लेकिन एक बार हम लोग क्या लेंगे PD एज अ बेस लेंगे और उसका हाइट लेंगे EM. ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग अगेन इसी ट्राइंगल के लिए PE बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे. ओके, सो एरिया ऑफ इन ट्राइंगल PD एरिया of PDE is equal to half into PD into EM. उसका रीजन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. कंस्ट्रक्शन में क्या है, जॉइन PQ एंड DR. हाँ, अभी देखो, अब हम लोग ये एक ट्रायंगल ले रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ये जो DEQ है ना इसके साथ वो ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, PD अपॉन DQ चाहिए, है ना. तो DQ जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, DEQ ट्रायंगल में से हमें DQ मिल रहा है जो बेस. हाँ, और ये जो EM है वो DQ को भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि बेसिकली PQ को परपेंडिकुलर है, है ना. सो इट इज लाइक एन सी, देखो तुम्हारा जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, ओके, उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ रहता है, इंटरनल रहता है. हाँ, लेकिन जब तुम्हारे ट्रायंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स रहेगा, उसको तुम लोग ये साइड एक्सटेंड करोगे और उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो परपेंडिकुलर किधर आएगी, बाहर आती है. किसको याद है, ये याद था, ये चीज आता समझ लो. हाँ, तो इसमें इसके एरिया जो है, सपोज ये ए बी सी ऐसा है, इसके एरिया इज गोइंग टू बी हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब दिस इज हाइट दिस इज द बेस, बी सी इज द बेस. और इसमें सपोज ये डी ई एफ है, इसमें इसमें ई एफ इज द बेस, ओके दिस इज द बेस, और हाइट ये है जो कि एक्चुअली ट्राइंगल से बाहर है. सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, देखो हमारा ट्राइंगल क्या है, डी ई क्यू है, इसका परपेंडिकुलर ई एम है जो ट्राइंगल से बाहर है. आर यू गेटिंग इट, समझा पक्का. हाँ, हाँ, अपन आधी काय केलं, हा ट्राइंगल घेतला
वरचा वरचा पूर्ण ट्रायंगल घेतला आणि त्याच्याशी कम्पेअर करायला आपण कुठला घेतला, हा डीईक्यू घेतला, ग्रीन मध्ये शेडेड आहे त्याला. ओके, याची एरिया आणि याची एरिया आपण कम्पेअर करतो आणि त्याचा रेशो काढणार आहे. मग ह्याची एरिया काय आहे, हाफ बेस इंटू हाईट, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. आणि ह्याची एरिया काय, हाफ इंटू बेस, आपण बेस पकडणार डीक्यू आणि हाईट इज ईएम पकडणार. आर यू गेटिंग इट? नक्की. ओके, सो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल डीईक्यू. डीईक्यू क्या होने वाला है, एरिया ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या है, डी क्यू इंटू ई एम. अभी देखो यहाँ पे कॉमन आया है, ई एम और ई एम कॉमन आया, हाफ और हाफ कॉमन आया. रेशो लेने के बाद हमें एक पार्ट अपना मिलने वाला है, रीजन वो ही लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फिर तीसरा स्टेटमेंट हमें हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट वन है मतलब दिस इज लाइक इक्वेशन वन, ये स्टेटमेंट टू है मतलब दिस इज लाइक इक्वेशन टू. हम लोग वन अपॉन टू करेंगे, मतलब एरिया ऑफ पीडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईक्यू इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, हाफ इंटू पीडी इंटू ईएम अपॉन हाफ इंटू डीक्यू इंटू ईएम. ठीक है, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो रहा है, ईएम और ईएम कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना. तो क्या बचेगा, पीडी अपॉन डीक्यू, व्हिच इज दिस पार्ट. फोर्थ स्टेटमेंट अपना कैसा आएगा, बस यही रिजल्ट आपको दिखाएंगे फोर्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर वे. पीडी अपॉन एरिया ऑफ डीक्यू इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीक्यू. यहाँ पे हम लोग ने बोलेंगे रेशियो ऑफ एरियाज, या फिर तुम लोग फ्रॉम वन एंड टू भी बोल सकते हो, डिवाइडिंग वन बाय टू ऐसे भी बोल सकते हो. अभी ये पार्ट किस निकालेंगे, अगेन ये ट्रायंगल लेंगे, बड़ा कोई ट्रायंगल, लेकिन बेस क्या पकड़ेंगे, पी पकड़ेंगे और हाइट क्या पकड़ेंगे, डीएन, है ना. और फिर उसके बाद में ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, EDR. उसमें बेस ये लेंगे ER और हाइट वो ये DN. तो सिमिलरली हमें वो रेशो आ जाएगा. ओके, तो अभी अपना फिफ्थ स्टेटमेंट क्या आने वाला है, इन ट्राइंगल ऊपर का साइड, ऊपर का ट्राइंगल दो हमेशा सेम रहेगा, नीचे में एक बार ये और एक बार वो अलग है. सो इन ट्राइंगल PD, एरिया ऑफ PD is equal to half into PE, अभी क्या आएगा, PE multiplied by DN. और यहाँ पे reason है same, area of a triangle is equal to half into base into height. Sixth में क्या आएगा, in triangle क्या है, EDR, area of EDR is equal to half into ER into DN. Again, reason is the same. Area of triangle is equal to half into base into height. Now, फिर seventh statement क्या आएगा? Area of PDE upon area of EDR is equal to half into PE into DN upon half into ER into DN. यहाँ पे half half cancel हो रहा है, DN DN cancel हो रहा है, बचेगा क्या, eighth statement में क्या आएगा, area of PDE upon area of EDR is equal to PE upon ER. मतलब ये वाला part आ जाएगा अपना, हाँ. यहाँ तक लिखो, मैं ऊपर का स्टेटमेंट सुना रख करके एट वाला ऊपर से लेना शुरू करती हूँ. ठीक है, नीचे तीन, हाँ तीन राउंड.
स्टेटमेंट एक कैसे आएगा, बस इसी को हम लोग ठीक से लिखने वाले हैं. एरिया ऑफ पीडीआर, सॉरी पीडीई अपॉन एरिया ऑफ पीडीआर इज इक्वल टू पीई अपॉन टीआर. ओके, तो इसको हम लोग फ्रॉम 7 बोल सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 3 बोल सकते हैं. पिछले साल का तुम लोगों को पैरेललोग्राम या एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स या वो जो था ना, वो किसको याद है वैसे 9th स्टैंडर्ड का? एरिया ऑफ, हाँ, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स वाला. उसमें एक चीज याद है तुम लोगों को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, है ना? यहाँ पे वैसा कुछ दिख रहा है तो मुझे बताओगे कौन से दो ट्राइंगल्स दिख रहे सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस? हाँ, सोच के बताओ मुझे. ई क्यू आर और डी आर क्यू. हाँ, डी आर क्यू कहाँ पे? सेम बेस, सेम बेस, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. डी क्यू आर डी क्यू आर लेके क्या फायदा होने वाला है? हाँ, डी क्यू आर लेके क्या फायदा होने वाला है? अपना फायदा भी होना चाहिए उसमें. ई क्यू आर, अभी गो एंड लुक एट योर इक्वेशंस और वहां से देखो. वो और एक हिंट दे दी. लिखा सबने? ना, ये लिखा एक स्टेटमेंट. बहुत बहुत लक्ष्य दे सर. Figure out. You are very smart. You can figure out. कुठले दोन ट्रायंगल्स दिसतात एकाच बेस वरती आणि दोन सेम पॅरेलल लाईनच्या मध्ये असणार, लाइक इट इज द सेम पॅरेलल. कोण बताएगा मुझे? डी ई क्यू. वेरी गुड. एंड आर ई क्यू आर. ई डी ई क्यू याच्यामध्ये बेस कॉमन बेस कुठला आहे? डी क्यू. डी ई. डी ई इज अ कॉमन बेस. तो डी ई पी डी आर कौन सा? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, है ना? सेम बेस एंड बिटवीन सेम टू पैरेलल लाइंस ऑलरेडी शेडेड है, वही तो हम लोग ने यूज किया है ना. अपना डिनोमिनेटर क्या है? ईडीआर और ये क्या है? डीक्यू. सो ऊपर का अभी ये दोनों इक्वेशन तुम लोग कंपेयर करो. सबका लिख के हो गया? हाँ. अभी ये इक्वेशन कंपेयर करो. ऊपर क्या है न्यूमरेटर में? एरिया ऑफ पीडी, यहाँ पे भी एरिया ऑफ पीडी है ना. कौन सा? ये वाला देखो, फोर्थ वाला. एरिया ऑफ पीडी, एरिया ऑफ पीडी सेम है. नीचे का एरिया ऑफ ईडीआर एंड एरिया ऑफ डीक्यू अलग अलग है, लेकिन इन दो ट्रायंगल्स जिनका एरिया इक्वल है, क्यों? बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. सो कैन वी से दैट एरिया ऑफ ईडीआर इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीक्यू. ओके, ये जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग दिस इज इक्वल टू दिस बोलते हैं, इसीलिए ये इक्वल टू ये बोलते हैं. समझा? रीजनिंग समझ में आया? लॉजिक समझा? पक्का? तुम लोग बोलेंगे कैसे 9th में स्टेटमेंट? एरिया ऑफ बी ई क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई डी आर. ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallels, parallel lines. Okay? अभी ये रब कर लूँ मैं. हाँ, नीचे लास्ट कर रहा हूँ. टेंथ स्टेटमेंट क्या आने वाला है? देयरफॉर एरिया ऑफ पीडीई अपॉन एरिया ऑफ डीईक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीडीई अपॉन एरिया ऑफ ईडीआर. सो दिस विल बी फ्रॉम स्टेटमेंट्स कौन सा? अपना 4, 8 और 9. ये तीनों को कंबाइन करके हम लोग ये बोल सकते हैं.
देयरफॉर अभी इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे PE upon ER is equal to PD sorry PD upon DEQ मतलब क्या है PD upon DQ is equal to this upon this is equal to PE upon ER हो गया ना फिर हो गया कितने स्टेटमेंट्स में फिर हो गया 10 स्टेटमेंट्स में फिर हो गया ये तुम्हें याद रखना है ये रख लो मैं आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द प्रोसेस हमने कैसा किया वापस एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार आता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रूफ के ओके इवन इसमें आएगा फॉर्मेटिव में या तो ये आएगा या फिर एक दूसरा पाइथागोरस का होता है उनमें दो में से एक तो आता ही आता है ओके तीन मार्क्स के लिए बोलेगा ठीक है तो ये अभी हमने क्या किया प्रोसेस कौन बताएगा मुझे आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू सबसे पहले हमने क्या किया प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने वी कंस्ट्रक्टेड लाइन EM परपेंडिकुलर टू PQ एंड DN परपेंडिकुलर टू DR हां फिर और एक कंस्ट्रक्शन किया जॉइन DR PQ हां PQ टू DR जॉइन PQ एंड DR ठीक है उसके बाद में हम लोग प्रूफ के लिए हमने क्या लिया पहले हमने ये ट्रायंगल का एरिया लिया विद दिस एज द बेस एंड दिस एज द हाइट हाँ? फिर हमने क्या लिया इसके साथ पहले हमने कौन सा लिया इस तरफ का ये वाला ट्रायंगल ले लिया और उसका एरिया ले लिया दिस इज द बेस एंड हाइट इज द सेम और फिर उसका रेशियो लेके कैंसिल आउट हाफ और हाइट कैंसिल आउट होके पीडी और डीक्यू बच गया फिर हमने वापस ये ट्रायंगल ले लिया उसका एरिया वापस हमने डिफाइन किया लेकिन वी डिफाइंड इट हैविंग अ बेस पी एंड हाइट एज डी एन दिस टाइम और उस नेक्स्ट हमने ये ट्रायंगल लिया ब्लू वाला और वहां पे हमने उसका एरिया डिफाइन किया हैविंग दिस ईआर एज अ बेस एंड दिस सेम डीएन एज द हाइट और फिर उन दो एरियाज का रेशियो क्या मिला हमें हाफ और हाफ कैंसिल हो गया और डीएन डीएन कैंसिल आउट हो गया बचा क्या पीई अपॉन ईआर जो अपना ये है फिर फाइनली हमने क्या बोला कि ये जो दो ट्रायंगल्स है ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला है वो हमने बोला इक्वल है हां Why are the these triangles equal? Because they lie between the same base on the they lie on the same base BE and between the same parallel lines DE and QE. हाँ इसीलिए ये area इनकी area equal है और ये तो common ही है दोनों के लिए. तो ये दोनों equations same हो जाते हैं. इसीलिए PD upon DQ दोनों का left hand side equations का same हो गया इसलिए right hand side भी same हो गया. Understood? ठीक है.